वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का एक असंवेदनशील बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने विरार के अस्पताल में मरीजों की मौत पर कहा। राजेश टोपे ने से जब विरार के अस्पताल में आपके बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये नेशनल न्यूज नहीं है। टोपे साहब को इसकी ज्यादा चिंता है कि ये न्यूज है या नहीं है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि अग्निकांड में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने असंवेदनशीलता की सीमाएं लांघते हुए कहा कि 13 लोगों की मौत नेशनल न्यूज नहीं है। विरार के अस्पताल में बीती रात आग लगने के बाद कोरोना के 13 मरीजों की मौत हो गई। ये घटना जो घटी है उसके बारे में नेशनल न्यूज नहीं है ये, लेकिन हम हमारी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से पूरी मदद करेंगे। और बाबा ये राज्य सरकार के हद तक हम जरूर पूरी मदद करेंगे। उनको जो 5 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मदद करती है, महानगर पालिका की तरफ से 5 लाख मदद किया जाएगा। 10 लाख रुपए मदद करने की जो नासिक में घटना घटी है उसी टाइप में हम मदद करेंगे। फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट और इलेक्ट्रिकल ऑडिट, ये हर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है। वो अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे उनको बिल्कुल बहुत सख्ती से कार्रवाई उन पर की जाएगी। इसमें डिटेल जांच की जाएगी। जांच करने का रिपोर्ट 10 दिन में हम हासिल करेंगे और उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर 100% कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी पूरी संवेदना जिनके परिवार ये सभी मृत जो हुए हैं उनके परिवार के प्रति है। तो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उससे ज़्यादा बयान इनका दुर्भाग्यपूर्ण है। असंवेदनशीलता की इंतहा की है राजेश टोपे ने। अब बीजेपी उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सवाल उठा दिए। पर महाराष्ट्र के वसूली सरकार के मंत्री कहते हैं कि यह कोई नेशनल खबर नहीं है, तो क्या ये गली की खबर है? 13 लोगों की मौत हो जाती है और ये 3 दलों की महाराष्ट्र की सरकार को कुछ नहीं लगता। वे कहते हैं ये मामूली है। कितने लोगों की मौत का आप इंतजार करोगे? और भंडारा में 10 नन्हे नन्हे बालकों की मौत हो गई आपके लापरवाही के कारण। नासिक में भी कुछ लोग मर गए इस सरकार के लापरवाही के कारण। भांडुप में भी आग लग गई, वहां पर भी मौतें हुई। इस प्रकार की बयानबाजी ये महाराष्ट्र सरकार की मानसिकता दर्शाती है। वे कौन से धुंध में है, कौन सी मस्ती में है, यह दर्शाते हैं। वैसे ही आम आदमी परेशान है संकट के दौर में। ऊपर से नेताओं के ये बयान उनके घाव पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कते हैं। सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के कोरोना हालात और अस्पताल में लगी आग के मुद्दे पर उद्धव सरकार पर सवाल उठाए। महामारी से तो लोग लड़ पा रहे हैं, पर टेक्निकली जो प्रॉब्लम सरकारी हॉस्पिटल में है, अगर हम देखेंगे गोंदिया भंडारा में जब 10 बच्चों की जान जाती है फायर के वजह से सरकारी हॉस्पिटल में, उसके बाद नासिक में 22 जनों की जान जाती है ऑक्सीजन लीकेज के कारण, उसके बाद विरार में जब कल रात 13 लोगों की जान जाती है फायर के कारण, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ऑडिट टेक्निकली हमने चेक करना चाहिए कि हर सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में फायर की व्यवस्था बराबर है, उनकी ऑडिट हुए हैं कि। तो मैं उद्धव साहब से, सीएम साहब से विनंती करूंगी कि आप इस पे ध्यान दीजिए कि जान जाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सब चीजें कारण आपके ऊपर आते हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, लोगों की जान बचाइए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।